एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि इंटरेस्टिंग नहीं होता, चलो यार आज इंटरेस्टिंग बनाते हैं कुछ ब्लॉग को। साहिल भैया को पकड़ते हैं पहले तो यार, ये बहुत जोश में आज। अरे यहाँ पे भैया का रिएक्शन मिलता हुआ हमें। कहाँ जाना भैया? चलो आ जाओ। जब मैंने सर्विस सेंटर में छोड़ी थी ना, उससे पहले जो था हमारा क्विक शिफ्टर काम कर रहा था बाइक का, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती। क्या हो गया भाई? मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वेलकम बैक मैन आर्मी। आज का ये सीन है, आज पहले तो उसको आगे कर लेता हूँ। 510 का है, डाल दो भैया। राइड से पहले यार अपना रिचुअल पूरा करना पड़ता है, मतलब ना पेट्रोल वगैरह फिलअप करना पड़ता है। तो जैसा आपको पता होगा, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे शेयर किया था कि यार मैं अपनी ड्यूक 390 की जो है थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने वाला हूँ। वो क्लीन करवा चुका हूँ, उसकी वीडियो भी बनी हुई है, बट वो थोड़ा सा लेट अपलोड होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं साहिल भैया के पास, वो भी ड्यूक 390 पे है, ना पूरा सीन समझाता हूँ कि आजकल क्या सीन है, और अपनी बाइक के साथ एक इशू आ गया वो भी बताता हूँ। क्या देख रहे हो? ये पेट्रोल का निशान। ये चीज़ ना भाई इतनी खुशी दिलाती है ना, मतलब ये चीज़ देख के। गर्मियाँ शुरू हुई नहीं भाई, ये सब ना फ़ैन चलना इसका शुरू हो जाता है अपने ड्यूक 390 का, ऐसा है। ये हमारे साहिल भैया, इनको तो आप जानते होंगे। एंड इनके पास ना एक मैग्नेटिक टेल टैडी है जो हमें प्रदान करने वाले हैं। तो किस चीज़ के लिए आप प्रदान कर रहे हो? देखो गिफ्ट हमें यहाँ पे गिव अवे हो चुका है साहिल भैया की तरफ से, मैग्नेटिक टेल टैडी का। तो वो हम लगाने वाले अपनी बाइक के अंदर, एंड आपको वो अगली वीडियो में दिख जाएगा, तो अगली वीडियो में दिख जाएगा, तो उसकी अगली वीडियो में दिख जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। वो पॉइंट्स क्या हैं? तो बेसिकली आपको पता होगा, जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं ना, उन लोगों को पता होगा कि भाई हमारी बाइक की जो है थ्रॉटल बॉडी क्लीन होनी थी। वो क्लीन हो चुकी है कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले क्लीन हुई होगी। थ्रॉटल बॉडी वाला सीन मैं आपको अलग से समझाऊंगा एक वीडियो बना के। बट जब मैंने सर्विस सेंटर में छोड़ी थी ना, उससे पहले जो था हमारा क्विक शिफ्टर काम कर रहा था बाइक का, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती। क्या हो गया भाई? तंग तो नहीं कर रहे भैया? नहीं हवा नहीं भरनी ना। क्विक शिफ्टर जो था सर्विस स्टेशन जब हम गए थे उससे पहले बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था। बाइक मिली तब भाई क्विक शिफ्टर काम नहीं कर रहा था। वहाँ के जो मैनेजर हैं बानू भैया, उनसे मेरी बात हो गई थी, तो कह रहे हैं बाद में ले आना फिर से, कुछ सेंसर वगैरह का इशू होगा, हम सही कर देंगे। चलो एक चीज़ अच्छी है कि भाई हमारे KTM के मैनेजर जो हैं बानू भैया बहुत ही बढ़िया से सुन लेते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में सुन लेते हैं और उनको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी तो यार चलते हैं आगे, सिद्धांत भाई हमारा वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से चढ़ते हैं यार, यहाँ से साहिल भैया को तकलीफ हो जाएगी। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि इंटरेस्टिंग नहीं होता, चलो यार आज इंटरेस्टिंग बनाते हैं कुछ ब्लॉग को। आज मोस्टली ब्लॉग ना आपको फ़नी मिलने वाला है। चलो भाई, अरे 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 चलो खींचा जाए। कहाँ जाना भैया? चलो आ जाओ। क्या नाम है अभी आपका? नगरोटे भैया। अच्छा, नहीं नाम क्या आपका? अमनदीप। तो भाई अमनदीप भैया को हम छोड़ने वाले हैं, आगे नगरोटा तक जाना है। नगरोटा जाना है? कम्फर्टेबल हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कम्फर्टेबल बैठे हो आराम से? ओ गए थे। भाई खतरनाक सीन चल रहा है यार यहाँ पे। तो आप रहने वाले जम्मू के हो? जरा जम्मू के ही हो? तो भाई सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है जो ये वाला एरिया आता है ना, मतलब हमारा जम्मू का आउटस्कर्ट वाला एरिया, मतलब उतना भी आउटस्कर्ट नहीं, एक बीच से ऐसा रास्ता जाता है जो कि ना हाईवे को कनेक्ट करता है। तो भाई क्या बात है, रिएक्शन मिल रहे हैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया। यार हमारी बाइक इतनी ज़्यादा मॉडिफाई हो रखी है ना तगड़ी, तो भाई रिएक्शन तो आने। यार हज़ार्ड अभी के लिए बंद कर लेते हैं क्योंकि अभी कोई फन नहीं है। जल्दी से यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे हाईवे को, वहाँ पर मिलेंगे हमें सिद्धांत भाई अपने डोमिनार 400 के ऊपर। आप लोगों ने आज डोमिनार भी चला के दिखाऊंगा। एंड दूसरी चीज़ यार, मेरे को ना बहुत सारी मॉडिफिकेशन इसके ऊपर करनी है। मैं चाहता हूँ कि यार बहुत ही बेहतरीन 390 बन जाए। देखो अब ना मेरे पास एक ऑप्शन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज़ समझाओ कि भाई मैं ना बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहला चीज़ को देखो कि यहाँ पर ना विंगलेट्स लग रखे हैं, मैंने किट मंगा रखी है ना, उसका ये सीन हो रहा है कि मेरे को एक विंगलेट निकालने पड़ जाएंगे, तो अब पता नहीं लुक कैसा अजीब सा आएगा। मैं विंगलेट रहन देता हूँ, मतलब किट के बगैर अगर मैं यहाँ पर रैप करता हूँ तो रैप का पता नहीं कैसा डिज़ाइन आएगा। तो मैं दोनों में ना कन्फ्यूज़ हूँ, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड करो कमेंट सेक्शन में। तो वैसे भी मैं कमेंट्स वगैरह ना आप लोगों के पढ़ता रहता हूँ। इनको नहीं पता साहिल भैया और मैं ना अभी इंटरकॉम पे कनेक्टेड है, तो कॉल पे बातें कर रहे हैं साथ साथ में। इससे क्या होता है ना, कन्फ्यूजन नहीं रहता। अगर कोई आगे ज़्यादा निकल जाए तो हम कॉल पे बोल सकते हैं कि भाई रुक जाओ, और हमें ना फ़ोन पकड़ने की हाथ में ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इंटरकॉम लगा हुआ हेलमेट के अंदर। तो क्या बात है। तो गाइज़ यहाँ पे हम करते हुए यार आर्मी पर्सनल को सैल्यूट, क्योंकि यार बहुत अच्छा लगता है। देखो मुझे पता है कि यार ये राइट वे नहीं है सैल्यूट करने का, इसके लिए आपको प्रॉपर खड़ा होना पड़ता है। मेरे को ना रहा नहीं जाता है, मैं सैल्यूट कर ही लेता हूँ आर्मी पर्सनल, मतलब मेरे पास ना बचपन से एक आदत रही है। मेरे को कहीं पर आर्मी वाले दिखते हैं तो गाइज़ मैं ना सैल्यूट कर ही देता हूँ, चाहे कहीं पर भी हो। ये खतरनाक नंबर है यार 0001, मतलब ऑलमोस्ट यार 10-20 हज़ार रुपये का तो इसको नंबर प्लेट ही पड़ी होगी। तो अगर इसको 5 लाख की गाड़ी पड़ी होगी ना, तो 10-20 हज़ार का शायद से नंबर प्लेट ही पड़ गया होगा, क्योंकि 0001 आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए ना अलग अलग स्लॉट लगते हैं, हैं अलग अलग नंबर प्लेट्स के लिए। मुझे इसलिए पता है क्योंकि यार मेरे भी जान पहचान के कुछ ऐसे दोस्त है जिन्होंने ऐसा नंबर ले रखा है। शौक के आगे तो भाई पैसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों के पास भी इतनी खतरनाक चीजें होंगी, क्या पता आप लोगों के पास सुपर बाइक हो या इससे भी तगड़ी चीज हो कुछ, तो भाई वो भी शौक की बात है। वही लीन ऐसे आ रहे ना, बट पीछे बिठा के ना थोड़ा सा डर लगता है। पीछे वाले भैया बाइक से कूदना चाहे डर के मारे, तो यार मैं ज्यादा तेज भगा नहीं रहा हूँ। ब्रेम्बो की किट पक्का लगेगी, इसके ऊपर एक और किट लगने वाली है आगे की, जो डीकल्स की किट लगी होती है, एक्स किट बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो लगने वाली है। तीसरी चीज जो है पीछे टेल जो है मैग्नेटिक टेल टाइड लगा देंगे। जितना भी बेस्ट हो सकता है ना अपनी 390 के लिए करेंगे, और ऐसे ग्राफिक लगाने हैं कि बैंकर भाई तगड़ा ही लेवल हो जाए। या आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं, और मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, प्लीज मुझे मैसेज करके बताओ। मतलब एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। मैंने रिसेंटली कॉन्टैक्ट किया था कुछ रैप वालों को, बट मुझे खास कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे रिकमेंड करो मुझे किस रैप वाले से यार रैप मंगाना चाहिए। मेरे पास डिजाइन ना फुली डिजाइन रेडी है, बढ़िया से रेडी है, बस मेरे को कोई रैप वाला चाहिए जो कि यार वो रैप को प्रिंट कर पाए। अगर आप लोगों की नज़र में कोई है मेरे को शेयर कर दो कि कौन ऐसा करता है, तो यार बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारे कंटेंट बनाने में। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले ना बहुत ज़्यादा चालान काटते हैं तगड़े तगड़े। एंड ये रे भाई हमारे जानेमन, दोनों जानेमन आ गए हैं। और भाई लोग क्या चल रहा है? आपको कहाँ जाना है भैया? आगे तक? अच्छा आगे जाना है। तीसरी हमारे सिद्धांत भाई की डोमिनार 400, जो लोगों के बाल पकड़ पकड़ के उनको मारते हैं। ये वाला किस्सा भी बताऊंगा नहीं मैं, बाद में बताऊंगा ये वाला किस्सा क्या किया था इन्होंने। ऐसे दिखते बड़े शरीफ से है, अंदर से भाई है खतरनाक। हाँ इधर के, ये जम्मू के ही हम शाम को घूमने के लिए निकल जाते हैं। पूरी दिन भर की थकान टेंशन ऐसी दूर करते हैं हम लोग। आधे लोग दारू पी के करते हैं, आधे लोग नशा करके करते हैं। हमारे पास बाइक है, बाइक है हमारा नशा है भाई। कितना प्यारा बच्चा है भाई गाड़ी के अंदर, अलॉयज बढ़िया थे। कुछ भी कहो ना, सिद्धांत बाइक की जो डोमिनार है उसके अंदर ना मतलब जो बेसी आवाज़ आती है ना, हल्की सी ना सुपर बाइक वाली आपको आवाज़ दे सकती है। मतलब हल्की सी 10% आवाज़ दे सकती है विसल वाली जो आती है, ऐसे 90% नहीं आएगी ये सुपर बाइक वाली आवाज़। है तो सिंगल सिलेंडर ही वो। ये लोग लीन मारना शुरू हो गया। अब पीछे भैया को बिठा के लीन मारूंगा, भैया मेरे को पटक देंगे भाई, यहाँ पे बोलेंगे यार मेरे को उतार दे पहले तू। सनसेट कितना तगड़ा हो रखा है। एंड आज बहुत टाइम बाद ऐसे ना मैं राइड पे आ रहा हूँ, शॉर्ट राइड करने बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं। इन्होंने क्या पता ढंग से पकड़ा ना, और मैं नहीं चाहता मेरी बाइक से ऐसे कोई गिर जाए। एक बार ही मेरी बाइक से गिरा था यार मेरा दोस्त, बड़ा दुख हुआ था। हुआ कहते ना स्पीड ब्रेकर पे थे हम, और उसने ढंग से पकड़ के नहीं रखा था कि बैग के अंदर ना लैपटॉप रखे हुए थे। लैपटॉप स्पीड ब्रेकर पे गिरा, फिर वो उस लैपटॉप के ऊपर गिरा, तो सोच लो भाई लैपटॉप की क्या हालत हुई होगी। एंड वो जो लैपटॉप था ना भाई, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू लैपटॉप लिया था उसने। बड़ा दुख हुआ था यार मेरे को उस दिन। यार इसी चीज़ के लिए ना, इसी चीज़ के लिए मैंने राइडिंग ज्वाइन की थी। जो है सनसेट शॉट्स है ना, मतलब प्यार है भाई, प्यार है अपना। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ बहुत ही जल्दी। यार दिल्ली की पब्लिक यार तुम लोग कैसे हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्योंकि यार आप लोगों के पास जल्दी आ रहा तुम्हारा भाई द वैनम राइडर। दिल्ली में भी यार मेरा एक ग्रुप है, सुपर बाइक्स वालों का ग्रुप है। उनसे बातचीत मेरी अभी चल रही थी। हमारे वरुण भाई को तो आप लोग जानते होंगे, RC 200 को ऑलमोस्ट 2-3 साल से मेरे साथ में है। इनको पहले पूछ लेते हैं भैया को कि कहाँ उतरना। यही उतरना भैया? कहाँ पे उतरना आपने? अंदर लेफ्ट। बड़ा दुख हो रहा है मेरे को यार, क्विक शिफ्टर अभी काम नहीं कर रहा है ना, कोई सेंसर का पता नहीं क्या इशू है। बस ये कि आप क्लचलेस शिफ्टिंग कर सकते हो, क्विक शिफ्टर का मतलब ऑल्टरनेटिव है। ऐसे करो और ऐसे, तो बढ़िया चीज़ पता है कि अगर आप किसी को पिलियन बिठाओगे तो आपको आराम से चलाना पड़ जाएगा। आराम से चलाओगे तो भाई माइलेज बहुत ज़्यादा बेहतरीन आएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि यार जम्मू कश्मीर से हम लेके आ रहे हैं इतना बेहतरीन कंटेंट। भैया और कितना आगे जाना है? नगरोटा मोड़ तो पीछे चला गया शायद से, शायद। 1 मिनट रुक जाओ। चलो ओके भैया, ध्यान से जाना ठीक है। ओ भाई DSLR लेके आओ, कोई रुके ना इंस्टाग्राम के लिए रील्स ले लेंगे। मैं लेके आया हूँ साथ में। आप पकड़ के दिखाओ मेरे को, कह रहे खींच के नहीं रहे, आप पकड़ के दिखाओ भाई। हाँ अच्छा भाई, क्या बात है साहिल भैया। नेक्स्ट लेवल हो रहा है यार साहिल भैया, इनको भी जोश चढ़ रखा है जब से निकले नहीं है। बेसिकली यार हमारा ये सीन है, हम सारे ना बिजनेस वाले लोग हैं। साहिल भैया बिजनेस करते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ। मेरे को ज़्यादा टाइम तो निकालना पड़ता है, क्योंकि यार यूट्यूब ऑब्वियसली आप लोगों के लिए निकालूंगा। साहिल भैया का सीन है तो पूरा टाइम बिजनेस में लगे रहते हैं। इनका आजकल ना बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। हमारे सिद्धांत भाई की बात करो तो यार जो सिद्धांत भाई हैं वो लॉयर हैं, आपको पता होगा। हमारे सारे केस वही लड़ते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया। बस एक और चीज़ का दुख हो रहा है मेरे को, क्रैश गार्ड नहीं है भाई लेफ्ट साइड पे। क्रैश गार्ड लेफ्ट साइड ना हो ना, डर रहता है कि यार लेफ्ट साइड से लीन मारने के टाइम पे फिर से दिख गई भाई वही वाली सफारी हमें। आप पकड़ के दिखाओ भाई कोई। K-Cross कंपनी का है शायद से। अब K-Cross नाम है साइकिल का, कंपनी है पता नहीं, जो भी है आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग साइकिल चलाते होगे। एंड ये है CH 01 चंडीगढ़। लीन मारते हैं थोड़ा सा। अरे 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 भैया जी हमारे लाइन में घुस गए आप तो, कोई बात नहीं। राइट साइड से हम ओवरटेक मारेंगे। एंड ये होती है क्लचलेस शिफ्टिंग। अगर आप लोगों के पास क्विक शिफ्टर नहीं है ना, आप लोग क्लचलेस शिफ्टिंग कर सकते हो। उसके अंदर थोड़ा क्विक शिफ्टर वाला हिसाब ही हो जाता है। आप लोगों को अगर सीखना है ढंग से, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना लूँगा। साहिल भैया को पकड़ते हैं पहले तो यार, ये बहुत जोश में है आज। तो गाइस पहले ही बता दूं यार, जो हम ऐसे ट्राई कर रहे हैं ना, मतलब लीन वगैरह का, थोड़ा एग्रेसिव राइडिंग का, हमें बहुत एक्सपीरियंस हो गया। आप लोग ना अपने प्रिकॉशन पे करो, अपने एंड पे अलग से सेफ्टी वगैरह प्रिकॉशन लेके ही करो। ऐसे यार किसी को देख के ना ऐसे प्रभावित नहीं होने का, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया पता है कैसे कहाँ पर यार पोजिशन बनानी, बॉडी पोजिशन। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले यार, मतलब डिस्क्लेमर समझ लो, प्रिकॉशन समझ लो। यहाँ पर ना बहुत लोग खड़े होते हैं पता है। यहाँ थोड़ा सा डर भी लगता है, मतलब ना बीच से कोई भी आ सकता है तो पता नहीं होता। अब हमारे भाई पीछे रुक गए या कहाँ रुक गए, नहीं आ रहे हैं। इन्होंने देखो फॉग लाइट ना नीचे की तरफ लगा रखी है। मुझे बताओ कि कैसी लग रही है यार इनकी फॉग लाइट। अब उधमपुर कितना किलोमीटर दूर है भाई, होगा यार यहाँ से 30 किलोमीटर तो होगा उधमपुर दूर। एक और अच्छी बात है कि राइट वाला मैंने मिरर ना ठीक करवा दिया अपना। अरे यहाँ पे भैया का रिएक्शन मिलता हुआ हमें। और यहाँ पर पुलिस वाले अंकल जी हमारी बाइक्स को नोटिस करते हुए। अच्छी बात पता है कि अब बाइकों के लिए ना यहाँ पर टोल वगैरह कुछ भी नहीं होता, मतलब किसी भी टोल पे नहीं होता, आप साइड से निकल सकते हो। टोल वाली चीज़ ना बड़ी सही होती है बाइकों के लिए। भयंकर भाई पावर क्या ज़बरदस्त आ रही है। अभी घर जाते जाते पेट्रोल फिर ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। भाई खतरनाक ही सीन रहता है यार, हमारा पेट्रोल ना बड़ा लेती है गाड़ी। पहले तो माइलेज देख लें, आजकल की दिख रही है माइलेज भाई 23 दिख रही है, वही एज़ यूजुअल हाईवे पे इतनी दिखाती है। और हम थोड़ा सा एग्रेसिव राइड करते हैं तो 23 तो भाई बहुत बढ़िया है उस मुकाबले। अगर हम सुपर बाइक पर होते ना अभी भाई, माइलेज कुछ कम दिखा रही होती। क्या बात है, झटके से ऐसे ओवरटेक कर देती है। इंडिकेटर के बिना भाई ऐसे कर रहा है। इंडिकेटर तो देते यार, इंडिकेटर इंडिकेटर दिया करो। चलो एक चीज़ अच्छी है कि हम लोग ना प्यार से समझाते हैं, थोड़ा सा ना पेशेंस से अगर काम लोगे ना, दुनिया का ना हर एक चीज़, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब मैं हमारे सिद्धांत भाई चाहते हैं कि हमारी बाइक जो है सीज हो जाए। ये खुश नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हमारे साथ धोखा हुआ है। सुनो 1 लाख होने वाले हैं इसमें। रख लो आप, पूरी जिंदगी रख लो। नहीं रख लो, मजाक के बिना मैं नहीं ले लूँगा। 10K नहीं यार, 100 के हुए हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। थोड़ा सा एग्रेसिव राइड करी हमने यहाँ पे साहिल भैया के साथ में और अपने सिद्धांत भाई के साथ में, जो लोगों को पीटते रहते हैं। ये चीज़ अलग से शेयर करूंगा मैं आपको, क्या सीन था। देखो पूरी हमारी बाइकें वहाँ पे लग रखी है। तो गाइस आप लोगों को खतरनाक चीज़ बताता हूँ, मैंने ना बहुत पहले एक वीडियो डाली थी, 2-3 महीने पहले शायद से। तो वो जो भैया है ना वहाँ पे जो चल रहे हैं, बाल खुले खुले हैं, ये हमारी वीडियो पहले भी आए थे, बट ये ना ऑलमोस्ट यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर हमें दिखे थे। एंड आज यहाँ पर दिखे हैं, बड़ा खतरनाक कोई इंसिडेंस है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।